जो भी चाहिए Z5 ऐप पर, बस Z5 ऐप डाउनलोड कीजिए और फ्री में देखिए कभी भी कहीं भी। मेरी जो मर्जी करेगी ना मैं वो करूंगी, मेरे जो मन में आएगा ना वो मैं तुम्हारी फैमिली से कहूंगी, और वो काम वाली प्रीतम उससे भी कहूंगी। मनीषा जी, आपको ऐसा नहीं लगता कि जोड़ियां गलत बन रही हैं? रुक जाओ, तुम इस मंडप पे नहीं बैठ सकती। ये देखे, यहां पर हमारे प्रोजेक्टर पे मनीषा रेते को देखेगी इस तरह से। आपसे कुछ कन्फेस करूं जी, क्या बात है? मैं आपसे बहुत सर। मिस प्रीता अरोड़ा, करण लूथरा से कह दो कि मोनिशा शर्मा से चुपचाप शादी कर ले, और ये भी भूल जाए कि ये दी करण लूथरा है। अब आप दोनों पैरों के लिए खड़े हो जाइए। मनीषा बेटा, पैरों के लिए खड़े हो जाओ। और मनीषा, नहीं मैं नहीं उठूंगी। अब सुन, हम क्या करने वाले हैं? वो कॉल ट्रेसिंग मशीन है। कॉल ट्रेसिंग मशीन? किडनैपर दोबारा कॉल जरूर करेगा उसकी कॉल ट्रेस करने के लिए। और हाँ, हमारे घर के बाहर रिपोर्टर्स आने वाले हैं, उसके लिए तैयार रहना। आशीष, रिपोर्टर्स कहाँ से आएंगे? मैं पुलिस कंप्लेन थोड़ी ना की है। तुम आए हो, तुम पुलिस में नहीं हो। CBI में हूँ। हाँ, लेकिन तुम मेरे रिपोर्टर्स को नहीं जानते कि कहीं से भी कोई भी खबर ढूंढ के निकाल लेते। क्या आशीष, क्या ढूंढ रहे? कोई सुराग, कोई क्लू जिससे हम उस किडनैपर तक पहुंच सके। अच्छा, तुमने क्या बताया था कि कियारा को लास्ट टाइम उसकी बुआ ने देखा था ऊपर कॉरिडोर में? आलिया। आलिया, ये कियारा का है? वो यहाँ पर इस पिलर के पीछे छिपी हुई थी। कियारा उस रूम में थी, उसने किडनैपर को देखा और डर के मारे भागकर इस पिलर के पीछे छिप गई। क्या हो? It was not a kidnapping। वो आदमी यहाँ किसी और मकसद से आया था और कियारा को किडनैप करके ले गया।
आप ऐसे कैसे कह सकते हैं? क्योंकि अगर उसे कियारा का किडनैप करना होता तो यहाँ नहीं आता। वो कियारा को कियारा के रूम से ही किडनैप कर लेता। वो यहाँ किसी और काम से आया था और कियारा ने उसे देख लिया और वो डर गया कि कहीं कियारा ये बात पूरे घर को ना बता दे, इसलिए उसने उसका किडनैप कर लिया। उन्होंने पकड़ के पुलिस को लेके जा रही थी लेकिन उन्होंने मुझे पकड़ लिया। कियारा के साथ ऐसा पहले भी हो चुका है। वो जिसने जॉन का एक्सीडेंट किया था, कियारा ने उसे भी देख लिया था। और सॉरी, मैंने तुझे पहले बताया नहीं, लेकिन वो आदमी ने ना नहीं, ये वो आदमी नहीं है। ये आदमी इस घर के लोगों को बहुत अच्छे से जानता है। वो जो कोई भी है घर के अंदर आके कियारा को लेकर चला गया और हम कुछ नहीं कर पाए। Okay, don't worry. कियारा को वापस ले आएंगे। मैं नीचे जाकर क्लूज ढूंढता हूँ। प्रज्ञा, कुछ नहीं हुआ कियारा को। आप कियारा को ले आएंगे ना? प्लीज उसे कुछ मत होने दीजिए। मैं वादा करता हूँ मैं कियारा को ले आऊंगा, लेकिन तुम्हें भी एक वादा करना होगा। वादा करो मुझसे कि तुम अपना और मेरे बच्चों का ख्याल रखोगे। कियारा, डैड इज कमिंग टू गेट यू। तुम टेंशन मत लो, कुछ नहीं होगा तुम्हें। डैड, मुझसे मम्मा से मत करवाओ। कियारा, आप ठीक हो ना? कुछ हुआ नहीं ना? मम्मा, कियारा, मम्मा, मम्मा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? वो भी मेरे बेडरूम में। कियारा कहाँ है? एड्रेस मैंने बता दिया है। पैसे वहीं पर पहुंच जाने चाहिए, वरना बेटी घर पे नहीं सपनों में आएगी। नकारात्मक साया मंडरा रहा है इस घर के ऊपर। ये समय है सचेत रहने का, क्योंकि कोई अपना आ रहा है बहुत बड़ा वार करने। ये तूफान से पहले का सन्नाटा है। तूफान का प्रकोप अब होने वाला है। गुड्डन तुमसे ना हो पाएगा में कल देखिए। हमारी मृत्यु का कारण अक्षत जिंदल है। हमने पक्ष और विपक्ष दोनों की दलीलें सुनी, लेकिन मिस्टर अक्षत जिंदल के पास कोई ऐसा ठोस सबूत नहीं है जो उन्हें बेगुनाह साबित कर। तमाम सबूतों और गवाहों को मद्देनजर रखते हुए ये अदालत मिस्टर अक्षत जिंदल को। गुड्डन, कहाँ हो तुम? हम आज भी अपनी बात, अपनी दीन और अपने नजरिए पर कायम। हमारी इज्जत उछल रही है। ठीक है, अनस और अलीना की शादी होने से कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, तुम्हें ये जानना है ना कि मास्टरमाइंड कौन है? क्या? तो मैं तुम्हें उस मास्टरमाइंड का नाम बताऊंगी। क्या नाम है उसका? उसका नाम है राम मोहिनी चुड़ैल है। गलत किया उसने, छोड़ूंगा नहीं मैं उसको। उससे लड़ने का कोई फायदा नहीं है राम, अब तो सीधा उसे खत्म ही करना होगा। और वो एक ही चीज है जिससे वो मरेगी, और वो है सिसोदिया वंश शिरोमणि राणा भानु प्रताप की हड्डियों से बना वज्र। तुम पुराने वाले शिव मंदिर जाकर वो वज्र ले आओ। इत्र इत्र सा मेरे सांसों में बिखर जा, मैं फकीर तेरे कुर्बत का, तुझसे तू मांगू दे, तू इश्क इश्क सा मेरे, रूह में आके बस जा, जिस ओर तेरी शहनाई उस ओर मैं भागू। दरअसल कल्याणी जी से मुझे बात करना था कुंडली के बारे में। उन्होंने जो कुंडली भेजी थी वो जानना चाहते थे कि इस कुंडली में दूसरे विवाह का योग है या नहीं। कल्याणी को फूल मैंने ही भेजे थे, और इसी शक के कारण वो जाएगा कल्याणी के कॉलेज, ताकि जाकर वो उससे सवाल पूछ सके। मैं सब जान चुका हूँ। क्या अस्मिता निकाल पाएगी शांतनु को इन मुश्किलों के बवंडर से?
या होगा उसे एक और अग्नि परीक्षा से गुजरना। जानने के लिए देखते रहिए ये तेरी गलियां सोमवार से शुक्रवार शाम 7 बजे।